मतों का आंकड़ा कहां से लाया? अरे हाँ, हमने कहा है पहली बार कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनेगी। बनी कि नहीं बनी, आप बताइए, बनी कि नहीं बनी? जब हमने कहा कि 300 पार 2019 में, तो 2019 में 300 पार गए। जो बच्चा पूर्णतया पढ़ करके साल भर तैयारी करता है, उसको अपनी परीक्षा के पहले अपना कॉन्फिडेंस बताता कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए पूरे देश का मिजाज देख करके हमारी पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया कि हाँ, हम अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर के 400 पार जाएंगे। अब 400 पार पे भी इनको कष्ट है। अरे आप में दम हो? आप बोलो हम 500 पार जाएंगे, आप में तो दम है नहीं। आप तो मुंह देख रहे हो अपनी तरफ से। अपने मध्य प्रदेश के अंदर जब हम कहते हैं 29 की 29 पार, तो भी कांग्रेस के नेताओं के मुंह से नहीं निकल रहा है। वो कह रहे हम 12 जीतेंगे। अरे भैया, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, वोट डला नहीं, अभी से तुम 12 बता रहे हो। इसका मतलब चुनाव के पहले हार मान ली, तो चुनाव के पहले जो हार मान लेता है वो खेलने लायक नहीं रहता है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस बात की भी निंदा करता हूँ, इंदौर के लोगों का अपमान कांग्रेस के लोगों ने किया है। इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा कल जो अपमान हुआ इंदौर का, कि ये अपनी सफाई के मामले में 7वीं बार जो पुरस्कार मिला, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए, जिनने इतना बड़ा स्वच्छता अभियान का सर्वेक्षण चालू किया और उस आधार पर पूरे देश में इंदौर को मान मिला, सम्मान मिला। इंदौर के नागरिकों ने जो सीखा है, ले दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि इंदौर के लोगों का अपमान करने का काम करके आप चाहोगे चुनाव जीत जाओगे। इंदौर तो इंदौर, पूरे प्रदेश और पूरा देश आपकी इस बात से नाराज है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से इंदौर की गौरवशाली परंपरा है, आज हमारा नॉमिनेशन का दिन है, आज नामांकन का दिन है, आज हम कदम बढ़ा रहे हैं विजय यात्रा की ओर, और हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर जो जहाँ है जिस जगह से लगातार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो खास बात कही है, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर मतदान केंद्र के लिए, हमारे अपने मतदान केंद्र का पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके नए रिकॉर्ड के लिए आगे बढ़ेगा, तो हम सब तैयार हैं करते, बाकी समय समय पे मार्गदर्शन करते। माननीय कैलाश जी विजयवर की जोरदार ताली बजा करके कैलाश जी का स्वागत करें। इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय कृष्णमुरारी मोघे जी, माननीय सत्यनारायण सत्तन जी, जिनके लिए पूरा देश एक विशेष सम्मान के साथ देखता है। मैं पूरे मंच के नाम ले सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से लेकर के झाबुआ तक दोनों जगह फॉर्म भराने जाना है और घड़ी की सुई समय बता रही है, तो आप सबको प्रणाम करता हूं, जोरदार ताली बजा के पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव की बेला में हमारी 29वीं लोकसभा में हम निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं, और निर्वाचन का आज वैसे तो देखा जाए तो कल हमारा 26 तारीख का द्वितीय चरण का दौर है, जहाँ 6 और हमारी लोकसभा का कल वोट डलेगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी हो रहे, पत्ते की तरह उड़ रहे हैं, और हमने उसके लक्षण भी देखे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई, वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई गलत, उनकी अपनी कोई बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्हें विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था, नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई, और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए, ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं, भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश के अंदर, अरे भगवा अगर यहाँ फैला रहा है तो किसके बाप का किसका नुकसान कर दिया है। हाँ, हमें गर्व है इस बात का कि हम भगवा संस्कृति के लोग हैं, क्योंकि भगवा त्याग का, वैराग्य का, हमारी अपनी आस्था का,
इस संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की जय जयकार करते हुए सूर्य संस्कृति से जोड़ने वाला ये रंग है। किसी को भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन ये अपने मन के पाप दूसरे पे डालना चाहते हैं और हमसे कहते हैं हाँ मुस्लिम हमको चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमको अब्दुल कलाम जैसे चाहिए जिनको हम राष्ट्रपति बना करके देश के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनने 47 के समय जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने देश के विभाजन में अपनी मुख्य भूमिका अदा की और देश का विभाजन स्वीकार किया। ये पाप अगर किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे, और कांग्रेस ने उस समय वचन दिया था। शंकर भैया मैं आपके लिए इस मामले में आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी। अरे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई अफगानिस्तान में, वो सारे भरतवंशी जो वहां अपने लिए इस उम्मीद में बैठ के आए थे, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप भारत आपका घर रहेगा, आप कभी भी आ सकोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन उस आश्वासन के बजाय अब जब CAA और भारत सरकार उनको नागरिकता देना चाहती है तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाली कोई पार्टी है कांग्रेस और उनका पूरा घमंडिया गठबंधन, जो कह रहे वो नहीं आ सकते केवल वोट के चश्मे के आधार पर, जो भारत की जय जयकार करना जानते हैं, जो भरतवंशी है आप उनको रोकना चाहते हो। भारत सरकार का चुनाव है सामान्य चुनाव नहीं है, ना नगर निगम का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर का चुनाव है। ऐसे में हमारे द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है, पूरे देश ने संकल्प किया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और भगवान राम की जय जयकार करते हुए संकल्प करो कि हम और आप मिलकर के इंदौर की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बोला सब तैयार है? तो हम सब मिलकर के संकल्प करें, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। बोला भारत माता की, लोक माता अहिल्या बाई की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।